हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 6 ऐसी कंपनी जो लार्ज कैप की होने वाली है और ये कंपनी इतना पोटेंशियल रखती है कि 3 साल में आपका पैसा डबल कर सकती है। पास्ट में भी इन कंपनीज ने ऐसा करके दिखाया है और आने वाले सालों में भी ये कंपनी इस तरीके का रिटर्न देने का आपको पोटेंशियल रखती है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप इन 6 कंपनीज के बारे में अच्छे तरीके से जान पाए। और ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है जिसमें हम 6 कंपनीज के ही बारे में डिस्कस करेंगे। आगे हम पार्ट 2 भी लाने वाले हैं, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट 6 कंपनीज जो आपका पैसा अच्छा बना सकती है स्टॉक मार्केट में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी स्टॉक मनी इन्फो के नाम से हमारी आईडी है, वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। स्टॉक मनी नेम से हमारा फेसबुक पेज भी है, स्टॉक मनी इन्फो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहली कंपनी है हमारी HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, जो 200 रुपये के प्राइस पर चल रही है। और उसके अलावा देखिए तो पिछले सेशन में 2.45 रुपये की गिरावट इस स्टॉक में आई थी। इस स्टॉक में अभी तक देखें तो ज़्यादा बड़ा रिटर्न नहीं मिला है आपको। एक साल में 26% का रिटर्न बना के दिया और 3 साल में देखिए 71% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। 5 साल में 89% का और 10 साल में 403% का। तो ये कंपनी अभी जो प्रेजेंट लेवल चल रहा है इसका, यहाँ से 3 साल में आपका पैसा डबल कर सकती है। इस तरीके का ये पोटेंशियल कंपनी रखती है और हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा बजट भी पास हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री पी से आपको अभी भी ये स्टॉक सस्ते में अवेलेबल हो रहा है। अगर 3 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो HDFC को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा, आपको बहुत शानदार रिटर्न बना के देगा और स्टॉक में आपका पैसा डूबने वाला बिल्कुल भी नहीं है। 3 साल तक अगर होल्ड करके रख लिया तो पैसा बनेगा ही बनेगा इस स्टॉक में। इस तरीके की ये कंपनी है। आप 29 जनवरी को देखिए, ICICI डायरेक्ट ने 2650 का टारगेट दिया है जो कि इसी साल ये स्टॉक अचीव भी कर लेगा। यानी कि अगर 5 से 6 महीने के लिए भी स्टॉक को होल्ड करके रख लिया तो आपको पॉजिटिव में ही रिटर्न मिलने वाला है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो रिस्क कम हो जिसमें, और रिटर्न आपको कंसिस्टेंटली अच्छा बना के वो कंपनी देती रहे। तो उन्हीं कंपनी में से एक कंपनी हमारी HDFC है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट स्टॉक की तो HDFC बैंक, अगर आप FD करवाते हैं तो उनमें से अगर आधा पैसा भी इस कंपनी में लगा कर रख लिया तो आप देखेंगे कि 3 से 4 साल में ये कंपनी आपका पैसा डबल करके देगी। 1219 का प्राइस चल रहा है और बहुत ही सही प्राइस चल रहा है HDFC बैंक का। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं HDFC बैंक में, 10 से 15 हज़ार रुपये ईजिली आप अभी लगा सकते हैं। और SIP में बाय करना चाहते हैं तो 4 से 5 शेयर हर महीने आप इस कंपनी के बाय करते रहें, 3 से 4 साल में, हर 3 से 4 साल में ये कंपनी पैसा डबल करके देती रहेगी। बहुत अच्छी कंपनी है। अपने सेक्टर में अगर देखें प्राइवेट बैंक में तो नंबर 1 बैंक है। और एंजल ब्रोकिंग का अगर 21 जनवरी का टारगेट देखें, इसका होल टारगेट 1390 का है, लेकिन इसको तो इससे ऊपर भी जाना है। ये कंपनी बहुत ऊपर जाने वाली है, 3 से 4 हज़ार रुपये भी आने वाले टाइम में कम है इसका प्राइस, बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है। तो अभी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे तभी जाकर आपको अच्छा रिटर्न इस कंपनी में मिल पाएगा। उसके बाद देखिए लार्ज कैप की कंपनी है, प्राइवेट बैंक से बिलोंग करती है, NPA भी अच्छा है, 10 साल में 664% का रिटर्न है, 5 साल में 128% और 3 साल में 86% का रिटर्न है। तो अच्छी कंपनी, अच्छा बैंक, बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रही है और 1 साल में भी 16% के आसपास रिटर्न बना के दिया है। तो कम रिटर्न नहीं होता, अगर 15 से 16% से भी आपका पैसा कंपाउंड होता है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और अभी देखिए इसमें अच्छा खासा 1 महीने में करेक्शन आया है तो इसका आपको एडवांटेज जरूर HDFC बैंक में उठाना चाहिए। नेक्स्ट बैंक जो है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक, 1681 के प्राइस पर चल रहा है और ये बैंक भी हर 3 से 4 साल में आपका पैसा डबल कर सकता है। 1 साल में 30% का रिटर्न दिया है। और HDFC बैंक के बाद अगर किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा आप कोटक महिंद्रा बैंक को प्रेफरेंस दीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छा बैंक है।
मार्केट कैप भी देखेंगे तो बहुत शानदार है, 3 लाख करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप है, प्राइवेट बैंक से बिलोंग करता है। इसका भी एनपीए देखेंगे तो ज्यादा नहीं है, तो अच्छी चीज है ये कंपनी के लिए। उसके बाद देखेंगे तो 10 साल में 815% का रिटर्न है, 5 साल में 156, 3 साल में इसने तो 3 साल में पैसा डबल कर दिया है पिछले 3 साल में, और आने वाले 3 साल से 4 साल में भी ये पैसा डबल करके देगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं अच्छे रिटर्न के लिए। नेक्स्ट कंपनी है हमारी TCS, 2183 का प्राइस चल रहा है, 10 साल में रिटर्न दिया है 488% का, 3 साल में 81% का, और अभी जहां पर है यहां से ये इजीली पैसा डबल कर सकती है 3 से 4 साल में। और मैं आपको जो भी स्टॉक बता रहा हूं वो ब्रोकर्स ने भी इनका जो है शॉर्ट टर्म के अच्छे अच्छे टारगेट दे रखे हैं, लेकिन हमें तो इससे भी ज्यादा का टारगेट इन स्टॉक्स में अचीव करना है। ये स्टॉक्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर इन स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया और करेक्शन भी आ जाए तो आप बेझिझक इन स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकते हो, कोई पैनिक वाली बात नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा ही रिटर्न बना के देंगे। TCS 2183 पर ही नहीं रहने वाली, इस स्टॉक को 4000 रुपए पर भी जाना है और 5000 रुपए तक भी ये स्टॉक जाएगा लॉन्ग टर्म में, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तब जाकर आपको बड़ा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि जब क्या होगा 3 से 4 साल बाद यही स्टॉक जब 4000 रुपए पर मिल रहा होगा तो आप सोचेंगे कि स्टॉक महंगा है और आप इस स्टॉक में कभी इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे। और स्टॉक मार्केट में ऐसा हमेशा होता है, रिटेल इन्वेस्टर्स की ये साइकोलॉजी रहती है, तो इस साइकोलॉजी को आप अपने माइंड से हटाइए और अभी से इन्वेस्टमेंट करना चालू कीजिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सके, आपका फ्यूचर जो है सिक्योर हो सके। इंडस्ट्री पी से देखें तो 25 का है, तो बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है हमें, इसमें 2 से 3 शेयर लगातार बाय करते रहे, हर महीने बाय करते रहे, अच्छा रिटर्न बना के ये कंपनी आपको देगी। लार्ज कैप की कंपनी है, 8 लाख करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप है और डिविडेंड बहुत शानदार देती है, तो डिविडेंड कंसिस्टेंटली आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट कंपनी है हमारी ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज, और ये कंपनी जो ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज है यहां से प्राइस डेफिनेटली 3 से 4 साल में आपका पैसा डबल करने वाली है, 1 साल में लगभग रिटर्न इसका फ्लैट रहा है, तो ये कंपनी आपको बड़ा अच्छा रिटर्न बना के देगी। बस आपको इसमें होल्ड रखना है या फिर अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 1 शेयर हर महीने बाय करते रहिए, या फिर बड़ा भी पैसा है आपके पास 15 से 20 हजार रुपए तो ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज में करंट प्राइस पर पैसा लगाया जा सकता है और यहां से ये कंपनी बहुत बड़ा रिटर्न आपको बना के दे सकती है। 3 साल में 92% का है, लेकिन लास्ट 1 साल FMCG पूरा सेक्टर ही फ्लैट रहा है और एक ऑटो सेक्टर भी फ्लैट रहा है, उसमें भी मैं आपको कंपनीज बता दूंगा कि किन कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। 5 साल में 205% का रिटर्न है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, उसके अलावा देखें तो पी ज्यादा चल रहा है इंडस्ट्री पी से, तो हम ऐसा ही पी में स्टॉक को बाय करेंगे। और लास्ट स्टॉक है हमारा एशियन पेंट, इसी में अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, बर्जर पेंट आप क्यों नहीं बताते, तो बर्जर पेंट को भी ऑलरेडी सजेस्ट कर रखा है, दोनों स्टॉक्स में से आप कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हैं, लेकिन एशियन पेंट भी 1877 रुपए पर नहीं रहने वाला है, यहाँ से पैसा आपका डबल कर सकता है और कंपनी अच्छी है, लार्ज कैप की कंपनी है, डिविडेंड अच्छा है, इंडस्ट्री पी से ज्यादा है, तो इसके 2 से 3 शेयर आप हर महीने बाय कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न आपको ये कंपनी बनाकर दे सकती है, 3 साल में भी अच्छा पैसा बना के दिया है, 1 साल में भी 34% का रिटर्न, कम रिटर्न नहीं होता, 5 साल में पैसा डबल किया है, डबल से भी ऊपर कर दिया है, 10 साल में 865% का रिटर्न बना के दिया है। तो आप लोग किसी भी पोर्टफोलियो को बना रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पहले लार्ज कैप कंपनीज को प्रेफरेंस दीजिए। अगर आपके पास 10 स्टॉक पोर्टफोलियो में है तो 4 स्टॉक आपके पास, 4 से 5 स्टॉक लार्ज कैप के जरूर होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में और भी इसी तरीके के स्टॉक्स को कवर करेंगे जो आपको पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेंगे। तो अगर आप इसी तरीके की वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि इस चैनल पर जो स्टॉक बताए जाते हैं वो स्टॉक डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ क्रिएट करके देंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग का मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं देता, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग और आपको मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए लॉन्ग टर्म में तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।